राम जी ने कहा, सुनहु राम सब कारण एहू, राज ही तुम पर बहुत स्नेहु, दैन कहिउ दुई वरदाना, मांगो जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनु भयो भूप पुर सोचु, छाड़ न सकही तुम्हार सकोचु। सारी बात बता दी, राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा, अरे इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतनी पीड़ा, अब पिताजी को इतना दुखी करके आपने ये बात मनवाई। अरे पिताजी को कष्ट देने की हमसे ही कर देती, हम हमेशा के जंगल में चले जाते, इसके लिए इतना नाटक करने की क्या आवश्यकता। धन्य राम जी को, एवं अस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं पितः, जटा चीर भरो राज्ञः प्रतिज्ञां पालयन्। महाराज की प्रतिज्ञा का आदर करता हुआ, पालन करता हुआ मैं वन में जाऊंगा। और फिर कहा, माता जी आपने भरत जी के लिए पिताजी से राज्य मांगा, हमसे कह देती, क्यों लगता है तुमने भरत को भी नहीं पहचाना, अब मुझे भी नहीं पहचाना, क्यों? अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान इस्तान धनान च तुष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। क्या प्रेम है राम जी का? राम जी कहते हैं कि माता जी, भरत के लिए मैं अपने राज्य को, सीता को, अपने प्राणों को, सर्वस्व को हंसते हंसते दे सकता हूं, उसके लिए आपने इतना कष्ट किया। यावन मातरमा पृच्छे सीताम चानुनयाम्य हम ततो देव गमिष्यामि दंडकानां महर्वनम। बस इतनी हमको थोड़ी छूट आप दीजिए, इतना अवकाश अवश्य दीजिए कि मैं अपनी माता को प्रणाम करके कौशल्या से अनुमति ले लूं और गृहस्थ विवाहित पुरुष को अपनी पत्नी से भी अनुमति लेनी चाहिए। तो सीताम चानु मयाम, सीता जी से पूछ लूं और आज ही मैं दंड काटने चला जाऊंगा। विचार करो, किसी व्यक्ति के इतने बड़े उत्सव की तैयारी हो रही हो, और इतने ध्वजा पता का बंधनवार तोड़ने लगे हो, जय जयकार हो रही हो, सब जगह हल्ला मच गया हो, अब उसको ठीक उसके विरुद्ध घोर जंगल में जा, जैसा राम जी के साथ हुआ ऐसा उसके साथ हो जाए तो क्या हालत हो? कितना भी धैर्यवान होगा तो भी न कुछ चिंता भय उद्वेग विषाद के चिन्ह उसके मुख पर आएंगे ही, इसमें संदेह नहीं। लेकिन महर्षि कह रहे हैं, नचास्य महतीं लक्ष्मीं राज्य नाशोपकर्षति, लोक कांतस्य कांतत्वात्क्षीतरस्मे रिवच्छया। महर्षि कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का मुखचंद्र निष्कलंक चंद्रमा के समान है, भले ही राज्य का नाश हो गया, वनवास की घोषणा हो गई, राम जी राज्य की श्री जो है उस श्री से कांति युक्त नहीं है, वो तो स्वाभाविक उनकी जो श्री है कांति है उससे युक्त है, इसलिए राज्य नाश से भी उस स्वाभाविक श्री का अपकर्षण नहीं हुआ। तथा न मंगले वनवास दुष्कता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समय सदास्तुषा मंजुल मंगल प्रदान। कैसा पूरा श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक है।
प्रसन्नताम जानकर प्रियांगता विषेक तस्तथान ममले बनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समय सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे राम जी की मुखद छवि है। लोक कांतस्य कांतस्य लोक कांतस्य कांतत्वात्, क्यों लोक कांतस्य कांतत्वात् शीत रस्मे रिवक्षयः। लोक कांत कौन है? टीकाकार लिख रहे हैं लोक कांतस्य ब्रह्मादित्रयस्य कांतत्वान् नियामकत्वात्। लोक कांत श्री ब्रह्मा विष्णु महेश और ये कुल के भी कांत है, तो भला ये राज्य का नाश उनकी श्री का अपहरण कैसे कर सकता है? ऐसे लोक कांतस्य का अर्थ लिखा है सकल शोभाया कांतत्वा सकल शोभा हेतुत्वा, इसलिए उनकी शोभा में हानि नहीं हो रही है। नमनम गंतु कामस्य त्यजतस्य वसुंधराम सर्वलोकातिगस्यैव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। तनिक भी उनके चित्त में विकार नहीं है। और महाराज जी गोस्वामी जी ने तो कह दिया नव गयंदु रघुवीर मन राज अलान समान छूट जाने पर गवन सुनि पुर आनंद अधिकान। ऐसे लगता है श्री कौशल्या के महल में गए भगवान श्री कौशल्या जी, आसन दिया दत्त मासन मालव्य आलिंगन किया और भोजनेन निमंत्रिता, बेटा कुछ खा लो व्रत है फलाहारी कर लो थोड़ा दूध पी लो छेना का रसगुल्ला ही खा लो कुछ पालो थोड़ा सा खा लो। मातरम राघव किंचित प्रसार्यांजलि मब्रवी किंचित अंजलिम प्रसार्य। अब्रवीत क्या बोले क्या कहा उन्होंने भरताय महाराजो यौवराज्यम प्रयच्छति माम पुनर्दंडकारण्यम विवासे तापसम। महर्षि के शब्द भरत जी को युवराज बना रहे महाराज और मुझे तपस्वी वेश में दंडकारण्य जाने की आज्ञा हुई है। गोस्वामी जी ने तो थोड़ा पिता दीन मोहित कानन राजू बड़ा हो तो बड़ा राज्य चाहिए छोटे को छोटा चाहिए, पर यहां ऐसा जब कहा तो ताम ताम अदुखोचिताम दृष्टा पतिताम कदली विव रामस्तु पश्चापया मास्तु ठापया मास मातरम गदचित सन। माता मूर्छित होकर के गिर गई कटी हुई कदली की भांति राम जी ने उठाया है और होश में आई है माता जी और माता जी ने उसमें रोते हुए एक वाक्य कहा। माता जी ने कहा एक एव ही बंध्याया शोको भवति मानस अप्रजास्मीति संतापो नहिअन्य पुत्र विद्यते। जो बेचारी बंध्या स्त्री है उसको एक ही शोक होता है कि मेरे पुत्र नहीं है, लेकिन मैं तो बंध्या नहीं हूं मैं पुत्रवती हूं लेकिन आज मेरे पुत्र का वियोग हो रहा है मैं शोकवती हो रही हूं